साथियों, ये तमाम चीजें हैं, जब ये वोट मांगते हैं तो हमारे बीच में आते हैं और हमारा पैर छूते हैं। अधिकारी न्याय है, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। ये जो आंदोलन है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आदरणीय नरेश टिकैत के आह्वान पर पूरे देश का NH जो है वो पूरी तरह से हम लोगों ने जाम करने का की व्यवस्था बनाई है। हमारा किसान आज सड़क पर है और उसका ये कारण है कि ये सरकार पूरी तरह से जन विरोधी है, पूरी तरह से किसान विरोधी है। हम आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अपनी बात को कहने के लिए अगर दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उसमें तो कोरोना का बात की जा रही है, लेकिन जब बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो कोरोना की बात नहीं की जा रही है। आज जहाँ किसान का धान देख लीजिए 900 रुपए में बिक रहा है जबकि 1868 रुपए का रेट है। किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश लाकर गलत तरीके से जो मोदी की सरकार के द्वारा बिल पे लाया गया है, कानून बनाया गया है, उसको निश्चित तौर पे इन्हें वापस लेना पड़ेगा। बगैर इसकी वापसी के ये किसान सड़क से हटने वाला नहीं है। और आज का जो आंदोलन है ये पूरी तरह से हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ की बर्बर सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनकी बिना शर्त रिहाई की जाए, किसानों पर लिखे गए मुकदमे वापस किए जाएँ, अन्यथा की स्थिति में हम सब लोग यहाँ से जेल जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। किसान के आन मान और सम्मान को बचाने के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन अपनी व्यवस्था मजबूत करे, हम सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन करेंगे, सरकार को अपनी बात बता के जाएंगे, सरकार को अपनी बात मना के जाएंगे। आज का यही कार्यक्रम है।